तुम्हारे तो सब चचा लगे, चचा लगे ओके डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग अंक गणित पढ़ने जा रहे हैं, है ना। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, है ना। चैप्टर है 5A। कंपटीशन में इससे बहुत ज्यादा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और खास करके बैंकिंग सेक्टर में इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है 625 प्लस 484, है ना। बहुत इजी क्वेश्चन है, आंसर आ गया आपको कितना, 25 प्लस 22 हो गया 47 इज द आंसर। क्लियर? यस। अब कैसे इसका 47 हो गया आप लोग जानते होंगे। यस। 625 स्क्वायर रूट 25 एंड 484 का 22, है ना, ऐड कर दिए 47। अपना आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है अंडर रूट 1225, इसका आंसर होगा 35। 1225 है ना। इसको देखिए, बनाने के लिए अगर हम बता दे रहे हैं कैसे बनाइएगा, तो शॉर्टकट मेथड हम लोग बताएंगे स्क्वायर रूट निकालने के लिए। जैसे इसके लिए क्या है, कितना, दो अंक पीछे से हम लोग हटाते थे, दो अंक पीछे से हटा दिए तो कितना ही बचा, 12। किसके अंतर्गत आता था, हम लोग याद कीजिए, 1 का स्क्वायर करते थे तो 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 16। तो ये तो 16 तो है नहीं, यानी 3, है ना। तो 3 दो जगह लिख दिए, 3 लिख दिए, ठीक है। और लास्ट में क्या है, 5। तो 5 लास्ट में किसके 5 लास्ट वाला डिजिट देखना है, तो सिर्फ 5 आता था, है ना। तो आंसर होगा 35। क्लियर? एक ही 35। यस, समझ में आ गया। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मान लीजिए थर्ड क्वेश्चन नंबर अंडर रूट 3364 है, तो उसी तरह से हम लोग बनाएंगे। यहाँ से दो पीछे से अंक हटा लिए, तो अंक हटा लिए हैं, पीछे से दो अंक हटा लिए, तो यहाँ 33 जो है किसके किसके अंतर्गत में आता था, नो 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, है ना। तो 5 हो गया यहाँ पर, 5 इधर लिख दिए, 5 इधर लिख दिए। और यहाँ 4 किस 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 में आता था, तो 2 जा 4 और 8 जा 8 जा 64, तो या तो 52 आंसर हो गया है, तो 60, है ना। तो इसको चेक करने के लिए हम तुम लोग तरीका बताए हैं, है ना। मान लीजिए 52 और 58 होगा, तो एक को कोई को मल्टीप्लाई करके हम लोग चेक कर लेंगे, 2 जा 4 और 5 दिन 10 दिन 20, की सुनना हाथ में गया, 2 5 25 और 2 27, ये नहीं आंसर होगा, तो आंसर होगा करेक्ट 58, है ना। यस यस। अगर मान लीजिए 58 गुना करके देख ले, 8 8 64 हाथ में रह गया 6, 8 5 40 दूनी 80 हो गया, 80 6 86 हाथ में रह गया, 8 25 5 5 25 8 33 आंसर 3,300। क्लियर? आंसर आ गया क्या, 58। बना रहे दम, ये सब क्वेश्चन 10 सेकंड से ज्यादा नहीं टाइम लगना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो गया, लेकिन बताने के क्रम में तो हमको टाइम देना ही पड़ेगा, है ना। 64009 यहाँ लिखा हुआ है, इसको कैसे सोल्व करेंगे, पीछे से दो अंक ए हटा दिए, पीछे से ए हटा दिए, है ना। अगर इसको हटा दिए तो यहाँ पर देखिए कि कितना ये 64, तो ये 6 किसके अंतर्गत आएगा, अगर 6 को देखा जाए तो कितने अंतर्गत आएगा, 2 का स्क्वायर आएगा, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपको दिया हुआ 253, ठीक है ठीक है। तो यहाँ 2 जब 4 जब हो गया, तो यहाँ कितना बच गया, 240 बच गया, है ना, 240 बच गया ना यहाँ पर, हाँ। तो यहाँ पर 2 तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, है ना। अगर हम लोग मान लीजिए 253 को हम लोग मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं तो कितना आएगा, चेक कैसे करने के लिए बताए थे हम, रूल बताए थे, ये तीनों को जोड़ लो पहले, 5 3 8 10 10 का 1 हो जाएगा, यहाँ भी 10 का 1 में 1 गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1। इसका भी 1 आता है कि नहीं देख लेते हैं, है ना। 6 4 10 9 19 19 को जोड़ देंगे तो 10 को जोड़ेंगे तो 1, आंसर होगा 253। बनाए भी नहीं ना, बिना बनाए हुए आंसर आएगा एकदम फास्ट, क्वेश्चन सोल्व नहीं, एकदम डायरेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। तो क्या हो गया आंसर इसका, 253। क्वेश्चन नंबर 4 है करेक्ट, 253, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग इसी तरीके से,
क्वेश्चन नंबर हमारे पास एट नाइन फोर नाइन वन सिक्स ये है क्वेश्चन आपके पास, ठीक है। टू डिजिट पीछे से हटाइए कितना आएगा, 9 9 9 81 होगा। आप लोग अगर अगर स्क्वायर रूट इस तरह से निकालते थे 8 9 4 9 1 6 का जोड़ा जोड़ा लगाते थे, 9 9 81 हो गया था, है ना। यहाँ 8 4 9 उतर गया, यहाँ 9 2 18 हो गया, है ना। उसके बाद जो है कि यहाँ पर कितना लगेगा, 8 8 4 72 चार बार लगेगा, है ना। तो 4 4 16 6 हाथ में 1 8 32 33 हाथ में रह गया, 3 4 3 7 हो गया, यहाँ पर 3 1 यहाँ पर 1 ऊपर से क्या हो गया 1 6 यहाँ से उतर गया क्या 8 8 1, है ना। यहाँ पर कितना चाहिए हमको 6, तो आई थिंक 6 से लगेगा, देख लेते हैं। आ जाएगा आंसर, यानी कि आपका आंसर हो गया 9 4 6, आंसर हो गया 9 4 6 बन गया। 9 4 6 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
तो कितना आ जाएगा, 9 9 81 और 9 आएगा इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत कितना आएगा, अगर इसके अंतर्गत देखा जाएगा तो 4 4 और 6 यानी कि या तो 92 और 9 2 96, यही दोनों में से आंसर होगा। क्लियर है? तो अगर हम लोग देख लेते हैं तो मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं 96 में ही, आ गया, यानी कि यहां पर हमारा आंसर जो होगा कितना आएगा, 90 96। ओके ठीक है, तो 96 हो गया। ठीक है, अब इसको भी उस तरह से हम लोग निकाल लेते हैं 12 5 4 4 का, इसको अगर स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं 00 और यहाँ डबल अंक ले लिए 1 1, ये तो 25 उतर गया, तो हमारे पास यहाँ पर कितना होगा 12 2 24 यानी 144 यानी यहाँ गया कितना 4 यहाँ है ना, तो यहाँ कितना लाना चाहिए 72। यहाँ 1 + 1 2 ना होगा जी, वन प्लस वन टू, यहाँ 25 उतर गया तो यहाँ 1 times लगेगा 21 4 4 है ना 4, यहाँ 2 2 हो गया, अब 2 times लगेगा तो 2 2 4 2 2 4 4 यानी क्या हो गया 1 1 2, इसका आंसर हो गया 1 1 2, ऐड कर दीजिए 9 6 8 आंसर 208। ओके यस क्लियर, 208। हम नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि क्वेश्चन नंबर ये तो 6 था 7 नंबर बता रहे हैं, अंडर रूट एक्स माइनस 34 इज इक्वल टू 484 आंसर आ गया, इसका 22 हो गया, इसको 22 इधर जोड़ दिए 34 के साथ हो गया 656 आंसर, एक्स इज इक्वल टू 56 सर 22 और 34 था 1 मिनट, हाँ 34 उधर प्लस हो गया तो ठीक है 34 ये अंडर रूट एक्स का आ गया है ना, तो 34 उधर ऐड हो गया तो 5
फोर प्लस टू सिक्स और थ्री वही थर्टी फिफ्टी सिक्स आया, लेकिन एक्स का वैल्यू पूछा है, एक्स का वैल्यू बताइए, तो एक्स का वैल्यू तुरंत सॉल्व कीजिए, आंसर आंसर हो गया, आंसर हो गया, समझ में आया। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वेरी इजी मेथड टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, वी विल सॉल्व वेरी फ्यू टाइम्स, है ना, वी विल टेक वेरी फ्यू टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर गिवन, क्वेश्चन नंबर 8, अंडर रूट 5 माइनस रूट 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस अंडर रूट 80, अंडर रूट एक्स माइनस 80 को लिख सकते हैं 16√5, 16 85, है ना, 16 का हो जाएगा 4, है ना, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 4√5, क्लियर है, 7 माइनस 4√5 इधर से ये आ गया प्लस में 4√5 इज इक्वल टू एक्स, ए कैंसिल 7, एक्स इज इक्वल टू 7, प्लस 4 और 5 और 5 इक्वल टू एक्स, एक्स का पावर 7, कहीं मिस्टेक हुआ क्या, ओह यहाँ पर मिस्टेक हुआ, 4 ना होगा, 9 हुआ, 5 और 9 एक्स इज इक्वल टू 9, क्लियर, वेरी इजी, मारा थप सीना दाम, थप सीना मारा, बस